गाइज वेलकम टू द पबजी मोबाइल लाइट अनदर गेम प्ले। अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। अब भाई जैसे ही उतरे स्टेडियम, हाथ में लगी एकेएम, हमके बंदे का है, बंदे दिखाओ। और ये आते ही आते भारत की खतरनाक शुरुआत, डायरेक्ट स्ट्रेट ड्राइव और ये छक्का, आते ही आते ऑडियंस की खोपड़ी फोड़ी। और ये बैट्समैन दूसरी बॉल खेलने के लिए तैयार, आगे बढ़ते हुए पर ये बाउंसर बॉल डाल दी। और ये क्या, ये छक्का, डायरेक्ट बॉल गिरी स्टैंड में। और ये क्या हो गया, एक लड़का खा रहा था पिज्जा, पिज्जा की जगह बॉल ही खा गया, अनबिलीवेबल। और कोई है, आज आप बंदूक लेके सबके विकेट लूंगा। अब भाई आप लोग कहेंगे कि यार कार्टून आज तुम बहुत क्रिकेट की बात कर रहे हो, तो भाई कल ऐसा मैच देखे भाई साहब, खतरनाक ही मैच हो गया यार एकदम। भाई मैच तो एकदम लास्ट मोमेंट तक चला गया था, लास्ट ओवर तक खिंच गया था। और अगर गलती से भाई इंडिया हार जाती तो मेरा कलेजा तो मेरे मुंह में ही आ जाता। अब भाई उतरे तो चार बंदे थे, लेकिन बंदे कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चल रहा था। ये पीपल ट्री के पास कौन है, खाटपीट खाटपीट। अब भाई इधर हम विकेट लिए, उतने में आकाश जी का कोनो विकेट ले लिया। अब ये लगे चिल्लाने, वाच आउट वाच आउट। हम समझ गए कि फील्डर अंदर नहीं, डायरेक्ट सब बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं। अब इल्लू की खोपड़ी के ऊपर से ऐसा छक्का मारूंगा, ऐसा छक्का मारूंगा, डायरेक्ट बॉल गिरेगी स्टैंड्स में। और ये कौन सी स्पेलिंग लिखी हो यार तुम, कैंपायर, कैंपर की स्पेलिंग ही होती है ना, तो ये यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है ना ही सीबीएसई बोर्ड में। लगता है भाई सब डायरेक्ट अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पढ़ के आ रहे हैं। ढोल बजने लगा, गांव सजने लगा, कोई लौट के आया है। अरे भाई ये गोली कौन मार रहा है, तो देख रहे भाई स्टेडियम में बंदे। अब जब हम लोग स्टेडियम में थे तब तो एक लोग लड़ाई किए नहीं, अभी अपने बिल से बाहर आके चौड़ा रहे हैं। हाँ तो चौड़े हो, हम तो नहीं आएंगे, बाय। हो ढोल बजने लगा, गांव सजने लगा। अरे भाई, अब भाई कौन इतना मेहनत करेगा गाड़ी से उतरने का, हम सोचे इनको गाड़ी से कचार देंगे। अब ये लगे बम्बू ट्री का गोल गोल चक्कर मारने के लिए। और भाई मैं इतना बड़ा आलसी हूँ, एक नंबर का यार, मेरा मन नहीं कर रहा था गाड़ी से उतरने का। जब टीवी का रिमोट मैं हाथ से नहीं उठा पाता हूँ तो पैर से उठा लेता हूँ, तो ये क्या चीज है, छोड़ो। भाई वैसे तो हम गाड़ी से उतरते नहीं, लेकिन यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन देख के उतरना पड़ेगा ही, कहीं से एक बंदा गुम्मा लेके लगा तीन नंबर को भाई भाई दौड़ाने। गुम्मा लेकर दबंगई कर रहे हो, गुंडई कर रहे हो, लोगों को डरा रहे हो। अरे मुझे क्या डराएगा मौत का मंजर, हमने तो जन्म कातिलों की बस्ती में लिया है, आशिक हूँ मैं कातिल भी हूँ। ये सीढ़ी के नीचे तो नहीं है। अब यार एक बंदा इनकी टीम का और था, पता नहीं कहाँ से यार बम फेंक रहा था, मैं तो ढूंढते ढूंढते एकदम थक गया। और बाहर पता नहीं आधे घंटे से इतना गोली कौन चला रहा था, हम क्या पहले देखना पड़ेगा इन लोग को, खोपड़ी खा गए। अब भाई ये लोग तो जा रहे थे जोन में, और जो पीछे वाला आदमी था वो थक गया तो रस्ट जैसी करने लगा, हम तुरंत गोली चला के मारे, लेकिन बीच में इतना ये लोग सरिया सुरी लोहा पोहा घुसेड़ दिए कि गोली लगेगी क्या घंटा। अब भाई हम कह लाओ इन लोग को बम से उड़ा देंगे, लेकिन क्या है यार कंसंट्रेशन फोकस होना चाहिए। अब पीछे से टीममेट इतना शोर मचा रहे थे क्या ही बताएं। किताब हुआ है, किताब मान लो आई नहीं, किताब में है ये नहीं, कॉपी फाट गई। अब भाई हमारे पास तो चार चार हेल्थ किट थी, घोड़ा गाड़ी थी बगल में, हम तो आराम से जाएंगे, लेकिन इन लोग को जोन में जाने नहीं देंगे। जैसे ही दिखे अवधेश जी को तुरंत पेट पकड़वा दी। और उधर हमारी टीम के नीतीश जी का भी विकेट गिर गया, वो भाई सब कॉपी किताब में ही लगे थे। हमने कहा रुक जाओ पहले इन लोग को बम से उड़ा दे। अब भाई आप लोग ने कभी एक तीर से दो शिकार देखा है, देखा है तब क्या दिखा है, तब इन लोग को ऐसे नहीं मारे। भाई पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो नीतीश जी को केडी बाई देवता, दे लाठी दे डंटा दे लाठी। भाई हम अपनी जान पे खेल के दो नंबर को बचाने आए, तो देख रहे हैं दो नंबर तो घोड़ा वोड़ा बेच के चले गए अपने घर। अब भाई हमारे साथ भी बहुत ऐसा हुआ है कि हमको सब जून के बाहर ही फंसा देते थे, अब हम भी यही करेंगे, इन लोग को जोन में जाने ही नहीं देंगे। तुरंत अवधेश जी का विकेट ले लिए। अरे हेल्थ किट ले लो भाई अपने टीममेट से, आ रहे अभी हम ही तुमको हेल्थ किट देते हैं। अरे आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। अब देखो भाई इनको हम कैसे ऊपर उठाते हैं, चलो बड़ा ऊपर। तो भाई इसी बात पे एक चेयर हो जाए कि क्या हुनर है रे तेरा पगली,
हमारे बैग से कोई पेंसिल तक चुरा नहीं पाया और तूने तो सीने से दिल ही चुरा लिया। ओ माय गॉड। अब भाई आखिरी बंदे को हम ढूंढ रहे थे तो वो भाई साहब छोटी वाली झोपड़ी है ना उसी में छुपे हुए थे। अब भाई इधर ड्रॉप गिरा था, आरपीजी उरपीजी पता नहीं क्या मिली हो, पता नहीं कुछ। अब पता चले गए कहीं उड़ा ना दे तो हम कह लाओ थोड़ा इसको बुरबक बनाया जाए, गोईठा जला के फेंकते। हम सोचे आएगा ही अगर आरपीजी होगी तो, नहीं आया। हम कहे दौड़ाओ दौड़ाओ इसको दौड़ाओ। भाई एक भैया कह रहे कार्टून ये आपकी कार्टून कोचिंग क्लासेस कहाँ है, मुझे ज्वाइन करनी है। ओ भाई यार आपने तो बहुत देर कर दी, सीटें तो हमारी फुल हो चुकी है लगभग। हाँ लेकिन एक काम हो सकता है, अगर आप डोनेशन देंगे तो आपका एडमिशन हो सकता है। चलिए 1 करोड़ डोनेशन दे दीजिए। ओ मैं निकला हो गड्डी लेके हो रस्ते में, मुझको 2 लप्पू झप्पू दिखे आराम से पेटी लूट रहे थे, इन लोग का भूत मैं बनाऊंगा भुजिया खाऊंगा। अब भाई लप्पू तो हमको देखते ही ऐसे आ गए जैसे हमको आके पका के खाई जाएंगे। भम्मा 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 हमारा तवा पुलाव बनाएंगे, इनका बैगन का भरता बना के खा गए। और कौन है वो दूसरा झप्पू, नहीं आया अभी तक, कहाँ रह गया भाई? अरे भैया इधर कहाँ से आ गया भाई? भाई साहब जूते का तो बिल्कुल भी आवाज ही नहीं आया, कौन सी कंपनी का जूता पहनते हो यार तुम, चाटा कि लैंडवुड? भाई आप लोग कहेंगे कि ये कौन सी कंपनी है चाटा, तो भाई चाटा इक्वल टू बाटा और लैंडवुड इक्वल टू वुडलैंड। हम सोचे खेलते खेलते थोड़ा आप लोग को पजल सॉल्व करवा दें जिससे आप लोग का दिमाग चुस्त एवं तंदुरुस्त हो जाए। भाई गाड़ी उठा के हम पहुंच गए थर्डिल, वैसे लेट तो हो चुकी थी लेकिन हमको पता था कोई ना कोई एक आलसी जरूर होगा जो अभी तक लूट उठ रहा होगा, कैसे हाई टीम में एक आलसी होता जरूर है। तो आके देखे भाई तो एक आदमी तो आराम से चटाई उठाई बिछा के फोन में बतियाने में लगे हुए। मेरी बेबी ने खाना खाया, मेरी बेबी को खाना खाना है, मैं अपने हाथों से आऊँ खिलाऊँ। ओ केसरिया तेरा इश्क है पिया, डूब जाऊं जैसे मगरमच्छ के आंसू। ये क्या भाई यहाँ तो गाड़ी खड़ी है, लगता है घर में बंद है। ऊपर से रेजोन अलग, वो भना भन गिरे पड़ा है, हम क्या ऊपर भाग के चलो भैया जल्दी। अरे उठो भैया, दिन भर फोन पे बतियाते ही रहते हो, थकते नहीं हो क्या? किसी दिन तुम्हारा कान कहीं थकेला ना हो जाए। ये ऊपर से कौन गोली चला रहा था भाई? कल्लू जी है, कहो कल्लू का हाल है, जरा अपना पीछे पिछवाड़ा दिखाओ। भाई गुम्मा मार मार के एकदम इनका पिछवाड़ा लाल कर दिए, टोमैटो की तरह। किसकी तरह? टोमैटो। अब भाई इनके एक टीममेट को तो मास्टर जी ठेल देते हैं, आखिरी बंदा हमको लग रहा था निकल गया था पान खाने, तो हम लोग सोचे यहीं आसपास कहीं गुमटी पे होगा तो दिख जाएगा तो ठेल ही देंगे। केसरिया तेरा इश्क है पिया, लग गया दिख गया। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, फिर से आ रहे तुमको केसरिया रंग में अभी रंगते हैं, केसरिया तेरा। आदित्य लक्की जी मेरी गाड़ी से तुम अब कुचले हो, अब तुम्हारे भाग एकदम खुल गए। भाई सामने गिर रहा था ड्रॉप, हम कहे जल्दी चलो इससे पहले कोई और ना लूट ले, तो देख रहे एक आदमी तो वहाँ पहले ही से खड़े होकर लूट रहे थे। देख रहे हो भाई साहब, पता ही नहीं चल रहा है कि गाड़ी कहीं से आ रही है। जब दिन भर फुल वॉल्यूम पे करके गाना सुनोगे तो कान का क्या बजेगा, बाजा नहीं बजेगा तो क्या घेवड़ा बजेगा। भाई हमको तो किल मिल रहे थे लेकिन मास्टर साहब को किल नहीं मिला था, हम कह लो ये किल इनको लेने दो। अरे भाई साहब, अरे भाई ये क्या कर रहे यार, अभी तो गाड़ी में बैठे बैठे परलोक पहुंच जाते, ये मास्टर है कि मास्टर के नाम का डिजास्टर है। भाई आखिरी बंदा था 2 नंबर के पास, 2 नंबर मार के चिकन कर लेते हैं। तो भाई एक भैया कह रहे कार्टून आपकी कोचिंग क्लासेस में कोई पापा की परी पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? मतलब भाई जब पापा की परी पढ़ेगी तभी कोचिंग ज्वाइन करोगे, तुम कोचिंग करने जा रहे हो कि पापा की परी से टाका भिड़ाने जा रहे हो? टाका। अब भाई हम जैसे ही पहुंचे थर्डिल यहाँ तो हो रही थी भयंकर मारा मारी, अब थर्ड एम्पायर आ गया, अब देखो इन लोगों को कैसे मारेगा। अब भाई यहाँ पे एक बंदा उधर चला गया और सामने वाले घर में एक बंदा था अकेले, अब इनको दरवाजा बंद करके देखो कैसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। भम्मा 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 जैसे ही 4 गुम्मा इनकी खोपड़ी पे मारे पैजामे में ही इनका पाद निकल गया।
भाई इनके टीममेट आ रहे थे रिवेंज लेने। अरे कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। राजा, ए राजा, ये ऐसे कैसे पीछे जा रहा है भाई? अबे ये तो चुड़ैल की तरह पीछे चला जा रहा है। कहाँ पीछे चले जा रहा है, आगे आना है। पर ये थे गौरव। गौरव, कहीं तुम्हारे अंदर अमी मंजुलिका जी के पिताजी तो नहीं आ गए? अमी मंजुलिका जी के पिताजी। अब भाई गाड़ी लेके हम पहुंचे स्टेडियम के पास कि मेरा स्वागत होगा, तो भाई साहब कल्लू उल्लू लगे गोली चलाने हमारी गाड़ी फोड़ने। हम क्या, भाग चलो भैया जल्दी से, वरना कहीं ठेल ना दे सर। अब भाई डरते तो वो है जिनकी रगों में चूहा दौड़ रहा हूँ, मेरे रगों में तो छोले चावल दौड़ रहे सुबह से। अब भाई इन लोग को तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हम पैदल से जा रहा था, उन्हें साइकिल से आ रही थी ट्रिंग ट्रिंग का इशारा, मुझे बदनाम किया ना। अरे कल्लू बच गए, कोई बात नहीं, इस बार नहीं बचोगे। मतलब दिख रहा है कि गाड़ी चल रही है, एक बंदा पेट पकड़ के पहली हेलप हेलप कर रहा है, तो गाड़ी के सामने ही ताता थैया कर रहे हैं। कल्लू जी, क्यों कल्लू जी, हो गया ताता थैया? तब तक इनके पीछे से टीममेट गाड़ी लेके आ गए बदला लेने के लिए। मारो टीकरो वाल गधा, मारो टीकरो वाल गधा। अब भाई पीछे बंदे के खून बहुत उबाल मार रहा था, रिवेंज लेना था ना। हम क्या लोग गुम्मे से इनको जरा रिवेंज दे ही दिया जाए। आ जा ब्रो। तो भाई ये तो गाड़ी लेके भागने लगे, और भाई इतना बड़ा अंधौड़ा ले जाके गाड़ी बाउंड्री लाइन में ही ठोक दिया। ताली बजा दो भैया, भाई साहब के लिए। मजाक चल रहा इधर, मजाक चल रहा, हलवा है क्या? हमको मानने आए थे भाई साहब, इन्हीं का हलवा बना के खा गए। अब भाई दो नंबर रास्ते में मिल गए, हम क्या, चलो इनको बैठा लो, अब चला जाए ड्रॉप ओप लूटा जाए। अब भाई इससे पहले कोई और ड्रॉप लूटता, हम क्या जल्दी चल के ड्रॉप लूट लो। तो दो नंबर गाड़ी से उतर गए, हम क्या चलो अब अच्छा ही है, अकेले लूट लेंगे। तो भाई साहब पता नहीं कहाँ उधर चले गए, दो बंदे इनको पकड़ के लगे मारने लगे ठेलने। अब भाई एनिमी लोग को ये नहीं पता था कि इन लोग ने किसके टीममेट पे हाथ उठा दिया है। बहुत बड़ी गलती कर दी भाई तुम लोगों ने, अब मैं तुम लोग का भजिया फ्राई बनाऊंगा। भजिया फ्राई कौन अबे? तो देख रहे भाई यहाँ तो दो दो बंदे थे। हम क्या, रुक जाओ एक सेकंड। अरे भैया आरपीजी भी है, ओ माय गॉड, दो दो आरपीजी लेके बैठे। अरे वाह पबजी लाइट वाह, इन लोग को दो दो आरपीजी दियो और हमको आज तक एक पार्ले जी बिस्कुट खरीद के दियो।